दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, ये हमने सुना है, लेकिन इसको साइंटिफिकली प्रूव किया गया है 1999 गुंटूर ग्लोबल, और इसकी कि दाने दाने पे वाकई में लिखा है खाने वाले का नाम, जिसकी वजह से 1999 में उनको गुंटूर ग्लोबल को नोबेल प्राइज मिला। सो इट इज नाउ साइंस दैट द फूड टॉक्स टू अस। आपने कभी देखा कोई जानवर बीमार पड़ता तो क्या करता है? वो घास खाता है। शेर बीमार पड़ता तो क्या करता है? वो अलग अलग तरह की पत्ती चूज करता है, कीपिंग इन माइंड कि वो कौन सी बीमारी उसको है, और कुछ समय में वो ठीक हो जाता है। जिनके पास पालतू कुत्ते हैं, बिल्ली, उनको ये पता है कि जब उनके कुत्ते बिल्ली बीमार पड़ते हैं तो वो क्या करते हैं? सीधे घर से बाहर भागते हैं, ग्राउंड में भागते हैं, घास में लौटते हैं, उल्टी करते हैं, फिर वो ठीक हो जाते हैं। इंसान बीमार पड़ता तो क्या करता है? वो भी सीधे भागता है, ग्राउंड में नहीं, डॉक्टर के पास भागता है, राइट? सो हम जब पैदा हुए थे लाइक अदर एनिमल्स, तो हमारे अंदर इनबिल्ट मैकेनिज्म भगवान ने दिया, द इनबिल्ट मैकेनिज्म, एक ऐसा मैकेनिज्म जो हमें जिंदगी भर प्रोटेक्ट करे, हमें लंबी आयु दे। फॉर एग्जाम्पल पलकों का, राइट? जब भी अगर कोई फूक मारेगा आंख अपने आप बंद हो जाएगी। सो दैट इज द इनबिल्ट मैकेनिज्म, वो सीखने की जरूरत नहीं। एक बच्चा पैदा होता है, वो अपने आप ही नोज, राइट, माँ का दूध कैसे पीना है, वो इनबिल्ट मैकेनिज्म है। सो जो हमें प्रोटेक्ट करती है किसी बीमारी में, क्या एक्शन लेना है, क्या करना है, वो एक मैकेनिज्म है जो हर जानवर को दिया है, वो इंसान को भी दिया है, लेकिन इंसान शायद उसको भूलता जा रहा है, उसको पीछे छोड़ता जा रहा है। और वो सिर्फ बीमारी की बात नहीं है, किसी भी डिजास्टर से कैसे बचना है उसकी मैकेनिज्म। आपने देखा होगा जब भी कभी अर्थक्वैक होता है, अर्थक्वैक में सिर्फ इंसान मरता है, कोई एनिमल नहीं मरता। हाँ, वो एनिमल मरता है जो ट्रैप्ड है, जो दीवारों में, जिसको इंसान ने बांध के रखा है। 1971-75 में चाइना के एक शहर में अर्थक्वैक से पहले, कुछ दिनों पहले, सारे के सारे जानवर वहां से छोड़ के भाग गए। इंसानों ने देखा जानवर छोड़ के भाग गए, कोई खतरा है, 1.5 लाख इंसान नो शहर छोड़ दिया, अर्थक्वैक आया, इंसान भी नहीं मरा। इट इज रिकॉर्ड इन द हिस्ट्री। सो इसका मतलब यह है कि एनिमल्स को अर्थक्वैक आने से पहले आइडिया हो जाता है कि कुछ आने वाला है, सो दे रन अवे। इसका मतलब हमारे अंदर कोई इनबिल्ट मैकेनिज्म है इन एवरी एनिमल, एंड वी आर ऑल्सो वन ऑफ द एनिमल, राइट? एनिमल्स को कभी हार्ट अटैक नहीं होता, ये आपको पता है, लेकिन जिनके पास पेट्स हैं, कई बार ऐसा एक्सपीरियंस हुए हैं कि घर में अगर कोई हार्ट अटैक किसी का होने वाला है तो उसके कुछ घंटे पहले ही वो जो पेट है, वो जो कुत्ता या बिल्ली घर में है, वो अजीब हरकत करने लगता है, वो इंडिकेशन देने लगता है। इनफैक्ट US में ऐसे लोग जो प्रोन है हार्ट अटैक के, या ऐसे लोग जिनको सीजर अक्सर आते हैं, तो उनके लिए स्पेशल कुत्ते होते हैं। इंडियन करेंसी में 15 लाख-20 लाख का वो कुत्ता आता है, और उस कुत्ते को कहीं भी ले जाना अलाउड होता है, उसको रेस्टोरेंट में ले जाना अलाउड, वो स्पेशल कुत्ते होते हैं, स्पेशली ट्रेंड होते हैं। और वो कुत्ते सीजर आने से पहले ही, कुछ घंटे पहले ही वार्निंग दे देते हैं कि सीजर आने वाला है। सो दैट इज द इनर मैकेनिज्म। लेकिन वो मैकेनिज्म सारे एनिमल्स में है, अपने आप को बचाव कैसे करें, एन एक्स्ट्रा सेंस, इनर इंस्टिंक्ट जिसे बोल सकते हैं हम, क्या हमारे पास भी है? श्योरली वो है, बिकॉज वी आर ऑल्सो एन एनिमल। हाउ टू नो कि ऐसा है, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे टू अंडरस्टैंड दैट, कि हमारे अंदर इंस्टिंक्ट है जो हमें रास्ता दे सकता है, अगर उसको हमने पहचान लिया तो रास्ता, जर्नी कॉल्ड लाइफ विल बी इजियर। तो उसके लिए छोटा सा एक्सपेरिमेंट, विल डू इट राइट नाउ। आपका स्पीकर फोन है, उसको हाथ में लीजिए, टेक इट इन योर राइट हैंड, अपने दाएं हाथ में लीजिए, उसके उल्टे साइड, जिस साइड पे बना है उसको देखिए, हाथ में दाएं हाथ से पकड़िए उसको, उसको देखिए। ये एक्सपेरिमेंट जीवन में आप सिर्फ एक ही बार कर सकते हैं, अभी नहीं किया या अभी फेल हो गया तो दोबारा नहीं कर सकते। अब जो करेंगे तो पता चलेगा, यू कैन डू ओनली वंस। Anybody in this world can do the experiment only once in their lifetime. इसलिए मैं चाहता हूँ ये experiment पहली बार में सही हो तो ठीक है, नहीं तो दोबारा करने का मौका नहीं मिलेगा आपको। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ ये आपको थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा।
ओके एक हाथ में आपका वो पेपर है जिसमें ये पिक्चर बना है, दूसरा हाथ खाली है, उसको दिल पे रखिए। पूरा कॉन्सेंट्रेट कीजिए, कोशिश कीजिए कि आवाज ना हो, मोबाइल के बेल ना बजे तो अच्छा है, डिस्ट्रैक्शन ना हो। अब अपने आप से बात कीजिए, टॉक टू योरसेल्फ, एक सवाल पूछिए। ये दो शेप्स आपके सामने हैं, इनमें से एक का नाम है बूबा, एक का नाम है किकी। बूबा और किकी, आपसे अपने आप से पूछिए, दिल से पूछिए कि भाई इनमें से बूबा कौन सा है, किकी कौन सा है। पहली आवाज जो आएगी दिल से उसके, वो आप अगर पेन है तो लिख लीजिए। पहली आवाज दिल जो बोल रहा है ये बूबा है, वहां बी लिख दीजिए। जिसको ब्रेन बोल रहा है ये तो किकी है, उसको के लिख दीजिए। वो आवाज क्यों आ रही है, उसका लॉजिक क्या है, उसको मत सोचिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू ग्रास्प द फर्स्ट थॉट। पहली जो आवाज है उसको पकड़िए। डू इट राइट नाउ, जो भी आवाज आ चुकी होगी उसी को कीजिए। अब और मत सोचिए, अब उसको कर दीजिए। ओके मैं 30 सेकंड और देखता हूं पेन वेन खोलने के लिए, लेकिन जो आवाज आई है उसको पकड़ के रखिए, उसको चेंज मत कीजिए। डोंट चेंज दैट, वॉट एवर इट इज राइट इट। लिख लिया, जिनके पास पेन नहीं है उनको वो मेमोराइज कर लें, बाकी लोगों ने लिख लिया। ये एक्सपेरिमेंट मैं करता हूं अलग अलग शहरों में, अलग अलग देशों में, हर जगह आंसर सेम मिलता है, सेम मिलता है। 99% लोग बोलते हैं ये है बूबा और ये है किकी। ऐसे है क्या यहाँ पे, अपने आसपास देखिए, अदला बदली करके देख लीजिए, एंड देन यू कैन सी राइट। ये एक्सपेरिमेंट आप घर पे भी कर सकते हैं। अच्छा एक और एक्सपेरिमेंट करते, एक और सवाल पूछिए अपने आपसे। ये एक तो बूबा है, किकी है राइट, इनको अगर खाएंगे, ये शेप अगर खाएंगे तो एक मीठा होगा खट्टा होगा। पहली आवाज जो है कि ये मीठा है उसको एम लिख दीजिए, और दूसरा जो बचा वो खट्टा। ओके कर लिया आपने, एटलीस्ट डिसाइड कर लिया आपने राइट। अगेन 99% लोग, ये आपस में अदला बदली करके देख लीजिएगा, विल से ये बहुत मीठा, ये बहुत खट्टा। देखिए अपने आसपास लोग, कोई लॉजिक नहीं है, दिस कॉल्ड इनर इंस्टिंक्ट, हमारे अंदर की वायरिंग। इसको थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं, साइंटिफिक भाषा में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं व्हाट इट इज ऑल अबाउट। हमारे ब्रेन में जब हम पैदा हुए थे, जैसा आपको पता है ऑलरेडी कई सारी प्रोग्रामिंग हुई है, ताकि पैदा होने के बाद आप लंबे समय तक जिए, और रास्ते में जितने सारे अड़चन आए, अगर आए तो नेचुरल डिजास्टर हो सकता है, वो बीमारी हो सकती है, उसमें हमें क्या करना है, वो वाली प्लानिंग, वो वाली प्रोग्रामिंग, वो वाली लर्निंग, इट इज देयर इनसाइड राइट एज इट इन अदर एनिमल। और उसका कोई लॉजिक नहीं है, लॉजिक होगा तो हमें नहीं पता, बट वो है और वो बिल्कुल सेम है हर एक के लिए राइट। सो उसको पहचानने की जरूरत है। इस साइंस को कहते हैं गैस्ट्रोफिजिक्स राइट, अ न्यू साइंस गैस्ट्रोफिजिक्स। सो ये देखा गया कि इंसान में नॉर्मली कोई भी चीज जो राउंड टाइप की हो उसका दिमाग बोलता है मीठा है, इट सेज इट इज स्वीट राइट। इन कंपैरिजन कोई एंगुलर टाइप का दिमाग बोल रहा है तीखा है, खट्टा है, मीठा नहीं है। लेकिन ये हमारी अंदर की एक इनर एक कम्युनिकेशन है, जिस मतलब हम कम्युनिकेट कर रहे हैं विद द फूड। जब आप कुछ खाते हैं वो सिर्फ जीभ से नहीं खाते, आपको पता ही, आंखों से खाते हैं, स्मेल से खाते हैं राइट, कानों से तो भी खाते हैं। जो आपको फील होता है, जैसा भी आपको फील होता है, जो टेस्ट का फील होता है, वो फीलिंग इज नॉट जस्ट व्हेन यू ईट, व्हेन यू जस्ट थिंक अबाउट इट। उसका जो शेप है, जैसे ही आपने शेप देखा तो आपके ब्रेन ने डिसाइड कर लिया कि इसका टेस्ट कैसा लगने वाला है राइट। ये बात बड़ी बड़ी कंपनी ने समझ ली, कैडबरीज ने ये बात समझ ली 2010 में, तो उन्होंने एक बदलाव किया 2010 के बाद जो चॉकलेट बेचने लगे, व्हाट दे डिड, ये ऑक्सफोर्ड जर्नल में आया है 2010 के बाद 13 के बाद, उन्होंने कैडबरीज के एंड्स को गोल कर दिया। पहले एंड्स बिल्कुल वो रेक्टेंगल शार्प था, उसको गोल कर दिया। सो दे न्यू कि गोल से द परसेप्शन इज इट इज स्वीटर, इट इज मोर टेस्टियर, ये ज्यादा मीठा है, ये ज्यादा स्वादिष्ट है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि कुछ ना कुछ अंदर एक प्रोग्रामिंग है हमारे ब्रेन के अंदर, जैसे कि बाकी एनिमल में है, जो वो अक्सर यूज करते हैं अपने बचाव के लिए राइट, अपने लॉन्ग लाइफ के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए
एंड द सेम प्रोग्रामिंग इज विद अस आल्सो. और कई बार उस प्रोग्रामिंग के हिसाब से ही हम सारे डिसीजन देते हैं, बट वी आर नॉट अवेयर ऑफ दैट प्रोग्रामिंग. आज हम उसी को थोड़ा और गहराई से अंडरस्टैंड करेंगे, नंबर वन. एंड नंबर टू, अंडरस्टैंड करने के बाद उसको हम कैसे यूज करें अपनी लाइफ में, अपने जीवन में कैसे यूज करें, स्पेशली अगर हम बीमार पड़ते हैं तो हाउ वी कैन यूज दैट अंडरस्टैंडिंग अबाउट दैट इनर वॉइस, राइट, द टॉकिंग फूड. We keep on talking with the food. The moment we start thinking about the food, we are talking with the food, right? So we are trying to understand that. देखिए, हमारे body, you know, billions of cells से बने हैं, और हर cell को के अंदर वो programming है कि वो अपना बचाव कैसे करे. हमारे अंदर there are major organs. हर organ के पास अपनी programming है. There is a programming inside every organ. How to protect itself? फॉर एग्जाम्पल अगर हम हार्ट की बात करते हैं, जिन लोगों ने मेरा लेक्चर पहले सुना है, हार्ट जब भी उसमें ब्लॉकेज होता है तो देयर इज अ प्रोग्रामिंग कि ब्लॉकेज के बावजूद भी हार्ट जिंदा कैसे रहे, राइट, एक नया ब्लड वेसल के थ्रू ब्लड सप्लाई करके, विच इज कॉल्ड नेचुरल बाईपास. तो वो नेचुरली हर जानवर में होता है, विच इज कॉल्ड कोलेट्रल आर्टरीज. उसको कब खोलना है, कैसे खोलना है, ऑल दोस प्रोग्रामिंग इज देयर इन द हार्ट, ताकि हार्ट अपना ख्याल खुद रख सके. So that it can take care of itself. It keeps on talking, right? It keeps on understanding the situation. अच्छा, ऐसे बहुत सारे आपने देखे होंगे, तीनों के तीनों आर्टरीज ब्लॉक्ड है, 100% ब्लॉकेज, but the person is fine, right? So कैसे, how it is happening? क्योंकि हार्ट ने उसी वक्त वो जो अंदर एक प्रोग्रामिंग है जिसके जब आप पैदा हुए थे, वो जैसे भी बाकी एनिमल्स के साथ है, वो प्रोग्रामिंग के तहत हार्ट को उसने सीखा हुआ है कि मुझे अपने आप को कैसे बचाव करना. So आपको हार्ट को बचाने की जरूरत नहीं, हार्ट को पहले ही पता है कि कैसे बचना है. आपको उस वक्त उसको सपोर्ट करने की जरूरत है, द काइंड ऑफ सपोर्ट विच इट एक्सपेक्ट्स. फॉर एग्जांपल आपने देखा, व्हेन द टाइगर गेट इल, मांसाहारी, तो वो पत्ते चुनता है, ये पत्ते लूं कि वो घास खाऊं कि ऐसे करूं. सो टाइगर क्या कर रहा है, वो अपने बॉडी को सपोर्ट करने के लिए उस तरह का न्यूट्रिशन देने की कोशिश कर रहा है. बाकी तो बॉडी ठीक करता है, यू नो, राइट. सो ठीक तो बॉडी करेगा, वो मैकेनिज्म अंदर है, एंड द बॉडी इज डूइंग इट ऑलरेडी, दैट्स व्हाई वी आर अलाइव. हम जो जिंदा है, आप जिंदा है, इसका मतलब वो मैकेनिज्म कहीं ना कहीं काम कर रहा है, लेकिन कई बार वो उतना एफिशिएंटली काम नहीं करता. सो वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दैट, उसको थोड़ा हम समझने की कोशिश करते हैं. फिर चाहे वो हार्ट की बात करें या फिर चाहे हम हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन, विच इज द बिगेस्ट ऑर्गन, लिवर. वो आपने सुना है डायलॉग, 2.5 किलो का वो क्या था, हाथ था. देखिए सकते हैं, 2.5 किलो का हाथ है कि नहीं, आई डोंट नो, बट 2.5 किलो का एक ऑर्गन है, दैट इज लिवर. The biggest organ, and that is also called the second brain. Liver is called the second brain. क्यों? क्योंकि liver अपने decisions बिना brain से पूछ के लेता है आजकल. तो liver itself is having its own brain. वो decide करता है क्या करना है, what action to be taken. Right? It is about 10 times more heavier than the heart itself. So liver इतना ज़्यादा important role play करता है हमारे body में. 1547 सदी से पहले की अगर आप देखेंगे मेडिकल बुक्स, तो उसमें यही पाया था कि लिवर से ही ब्लड को कंट्रोल करते हैं. अब तो हमें पता है कि हार्ट से करते हैं. सो लिवर इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. सो लिवर कीप ऑन टॉकिंग टू द फूड, राइट. वो कैसे बात करते हैं, उसकी मैकेनिज्म क्या है, अगर वो अंडरस्टैंड कर लें, सो वी विल इंस्टेंटली नो. हमें यह पता चल जाएगा कि जब भी हमारे बॉडी में कोई डिस्कम्फर्ट है, आई विल नॉट कॉल इट डिजीज, मैं अगर डिजीज बोलता हूं तो बड़ा ही भारी भरकम, डिस ईज का मतलब क्या हुआ, डिस्कम्फर्ट, राइट. तो डिस्कम्फर्ट है मतलब बॉडी बोल रहा है कि भाई कुछ ठीक नहीं चल रहा, गड़बड़ है. तो दैट इज द टाइम हमें अपनी लिवर की बात सुननी है, राइट. लिवर की बात भी नहीं सुन रही, लिवर को अपने काम करने देना, उसको इंटरफेयर नहीं करना, ट्राई टू अंडरस्टैंड. लिवर को पता उसको क्या करना है, हार्ट को पता उसको क्या करना है, आपको सिर्फ ये देखना है कि बीच में अड़ंगी नहीं लगानी. लेट इट वर्क द वे इट वॉन्ट टू वर्क. सिर्फ उसकी आवाज को सुनकर, जैसे अभी अपने आवाज को सुनी, आपको उसको सपोर्ट करना है, राइट. तो यू नीड नॉट टू बी हाईली इंटेलेक्चुअल, राइट, टू अंडरस्टैंड. मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको अंडरस्टैंड करने के लिए, कि हमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बहुत इंटेलेक्ट होने की जरूरत नहीं है. किसी को बॉल कैच करना आता है, एनीबडी हु कैन कैच द बॉल, आइए आइए वहीं पे कैच करेंगे, गुड. और किसी को आता है, आप कैच करेंगे तो ये आपका, वंडरफुल. अच्छा, अभी बैठे हुए अभी बॉल को कैच किया, राइट. इसका एक बॉल का वेट था, राइट. इसका एक एक्सेलरेशन था, इसकी एक वेलोसिटी थी, राइट. तो फिर आपका एक एंगल था पकड़ने का,
आपने देखा वो एक राइट, देयर आर मेनी थिंग्स. जरा इमेजिन कीजिए ऐसा कोई स्कूल है, ऐसा कोई फिजिक्स का स्कूल, हाउ टू कैच ए बॉल, 7 साल का कोर्स है, कितनी वेलोसिटी पे आपको कौन सा हाथ कितने एंगल पे रखना है राइट, और उसमें ब्रीदिंग कितनी कैसे आपको रोकना है उस वक्त राइट, वो भार को कैसे एस्टिमेट करना है, वो कैलकुलेशन में कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा, ये 7 साल पढ़ाई करेंगे राइट. क्योंकि ये सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, आप कैच कर पाए कि नहीं कर पाए इट डिपेंड्स ऑन कि आप वो बॉल के एक्सेलरेशन को आप समझ पाए, उसकी स्पीड को भाप पाए, वो कहां गिरेगा वो पहले से अपने एस्टिमेट कर पाए ना कि यहां गिरेगा तो हाथ में ऐसे कर लूं और अगर यहां से यहां होगा तो मैं उठते टाइम में ऐसे कर लूं, ये सब दिमाग में चल रहा था ना. लेकिन वो एक कैलकुलेशन तो है, लेकिन ये कैलकुलेशन कैसे करते हैं, आपने ये तो किया नहीं कॉपी पेंसिल में. हाउ टू कैच द बॉल परफेक्टली, इसका एक स्कूल अगर हो कि जिसमें फॉर्मूला सारा सिखाया जाए कि वेलोसिटी एक्सेलरेशन और कितना वेट होगा उसको कैसे एस्टिमेट करना है, तो क्या आप बेटर कैच कर पाएंगे right? और 7 साल के बाद तभी आप अलाउड है कि पहली बार बॉल कैच करना अलाउड है जब आपने ये सारे फॉर्मूले सारे रट लिए, एग्जाम में पास कर दिए. तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं डेफिनेटली जब हमने बॉल कैच किया इट इन्वॉल्व ऑल दोज फैक्टर्स, बट दैट डज नॉट मीन कि वो सारी कैलकुलेशन आपको एक्चुअली करनी है. वो आपका बॉडी कर रहा है ना, वो आपके सारे सेंसेस कर रहे हैं ना राइट. आपको आपने क्या किया, सेंसेस की बात को सुना, अंदाजा लगाया, यू कुड डू इट, इजंट इट, इट इज एज सिंपल एज दैट. यू नीड नॉट टू बी हाईली इंटेलेक्चुअल, यू नीड नॉट टू बी द मास्टर इन फिजिक्स राइट, ओनली देन यू आर एबल टू कैच द बॉल. इनफैक्ट इट इज अदर वे अराउंड राइट, इसका ठीक विपरीत राइट. ठीक उसी तरह से कई सारी चीजें बहुत सहज हो सकती हैं. फॉर एग्जाम्पल, हम जिंदा है तो हमारा एक ब्लड प्रेशर होगा, जरूर होगा, एक ब्लड शुगर होगा, एक ब्लड कोलेस्ट्रॉल होगा, हमारे बॉडी के सैकड़ों पैरामीटर्स होंगे, जरूर होंगे तभी हम जिंदा है, और वो पैरामीटर एक पर्टिकुलर रेंज में होंगे तभी हम जिंदा है. लेकिन वो सारे पैरामीटर हमें कैलकुलेट करते करते कि सारे पैरामीटर मैं रोज कैलकुलेट कर रहा हूँ, कितना कितना बढ़ गया, यूरिया कितना घट गया, और यूरिक एसिड कहाँ पे पहुंच गया, कोलेस्ट्रॉल का एचडीएल है, दूसरा कौन सा है, एलडीएल क्या हो गया. So, और वो सारे पैरामीटर को देख रहे हैं और जो कम है उनमें से उसको ज्यादा कर रहे हैं, जो ज्यादा उसको कम कर रहे हैं, एंड नाउ आई थिंक दैट आई कैन बी अलाइव राइट. ये ठीक वैसे ही है कि जैसे आपको मैंने बोला कि भाई मैं बॉल फेंक रहा हूँ, कैच कर रहा हूँ, रुके रुके मैं अपना कैलकुलेटर निकाल देता हूँ, पहले बॉल का वेट बताइए कितना वेट है, क्योंकि कभी तो मैं कुछ करूंगा राइट. सो यू कैन वेल इमेजिन, यू कैन वेल अंडरस्टैंड कि जिंदा रहने के लिए बॉडी के जरूर बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, वो पैरामीटर अगर गड़बड़ हो जाए तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे. लेकिन उस पैरामीटर को कैलकुलेट करने का काम भगवान ने आपको नहीं दिया है, वो इनबिल्ट सिस्टम है बॉडी के अंदर, उस सिस्टम को हम समझ नहीं सकते. वो एक एक सेल्स में बसा हुआ इंटेलिजेंस, सेलुलर इंटेलिजेंस जिसको कहते हैं, उसको समझना ठीक वैसे ही होगा जैसे कि बॉल को कैच करने से पहले सारे पैरामीटर पहले कैलकुलेट करना, उतना ही ज्यादा मुश्किल या उतना ही ज्यादा असंभव होगा. एक सिंपल से एक्शन को असंभव बनाना हो तो वो ये तरीका है जैसे मैंने आपको बोला राइट. सो आपको सिर्फ इतना करना है कि यू टू अंडरस्टैंड द इनर इंस्टिंक्ट इन द सेम वे एज अदर एनिमल डज.